महायुति के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके सभा का दौर जारी है। गडकरी की ओर से शहर के सभी मतदान क्षेत्र में सभा आयोजित की जा रही है। ऐसे ही एक सभा विधायक कृष्णा खोपड़े के नेतृत्व में पूर्व नागपुर के मिनी माता नगर में आयोजित की गई थी। इस सभा में पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज, कृष्णा खोपड़े व शिवसेना जिलाध्यक्ष प्रकाश जाधव उपस्थित थे। सभा में सत्यपाल महाराज ने कहा कि गडकरी विकास की राजनीति के धुरंधर है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में विकास के काम हो रहे हैं। गंगा को आपने देखा, बनारस को आपने देखा, विदेशों के अंदर नहरों को आपके ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेनिस के अंदर आप देखेंगे, वेनिस का सारा व्यापार समुद्र से होता था। इंग्लिश शैनल के अंदर सारा व्यापार नौकाओं से होता है और गडकरी जी ने उसी को किया। आज वाटर ट्रांसपोर्ट को आपके कलकत्ता से चलता है और गंगा गंगा होते हुए बनारस पहुंचता है, इसको पूरा उन्होंने जीवंत कर दिया। सभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि भाजपा 5 वर्षों के कार्यकाल में के विकास के नाम पर वोट मांग रही है, मगर कांग्रेस अपने 70 वर्षों के कार्यकाल में के विकास कार्यों को नहीं बता पा रही है।